हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इंडिया आइडल। दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा विच इज डायरेक्टेड बाय सुधा कोंगरा आई थिंक या विच ऑल्सो स्टार्स अलोंग विद अक्षय कुमार, राधिका, परेश रावल एंड मेनी अदर्स। अब ये फिल्म मैंने इंडियाज आइकॉनिक सिनेमा हॉल गिडी गैलेक्सी में देख ली। तो फर्स्ट हाफ पिक्चर का काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, स्क्रीन पे भी इंटरेस्टिंग है, ऑडियंस को बांध के रखती है। मतलब मजेदार स्टोरी है और एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, शुरू से एंड तक आपको बांध के रखती है। तो आपको देखने में मजा आ रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके बावजूद भी अक्षय कुमार क्या करेगा, क्या ये उसका सपना पूरा होएगा, क्या वो मतलब ये सब कठिनाई से पार कर पाएगा। जो उनको एक एयरलाइंस खोलनी होती है, एकदम चीपेस्ट एयरलाइंस, मतलब जो दूसरे एयरलाइंस से आधे दाम में, मतलब बाद में वो बोला एक फ्लाइट का टिकट 1 रुपये में बेचते हैं अक्षय कुमार। तो वो सब जिस तरह से पता है, बोले गरीब आदमी भी फ्लाइट में बैठ सकते हैं, उसका भी सपना पूरा होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति गरीब से गरीब आदमी फ्लाइट में बैठ सकता है, वो उसका सपना होता है। तो वो एकदम चीपेस्ट एयरलाइंस खोलना चाहते हैं और किस तरह से परेश रावल दूसरे लोग उनको किस तरह से रोकने की कोशिश करते हैं और फाइनली क्या होता है वो इस पिक्चर में बताया। तो आई विल से द स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेल रिटन स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी सुधा कोंगरा का बहुत अच्छा है, आपको शुरू से लास्ट शॉट तक बांध के रखेगी। तो आई लव द फिल्म, आई एंजॉय द फिल्म थ्रू आउट, मजा आ गया मुझे। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार इज अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब इतना मजेदार उनका जो रोमांस जो बताया है वो इतना अच्छा बताया है। फिर किस तरह से वो परेश रावल को कन्वेंस करते हैं, अरे सर मैं ये कर सकता हूँ, आप मुझे एक बार चांस मौका दिए, सबसे सस्ती एयरलाइंस खोलूंगा, ये वो सब सुपर्ब। फिर किस तरह से उनका फेलर होता है, तो किस तरह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन मतलब इमोशन हो जाते हैं, फिर फाइनली जब वो लास्ट शॉट देखिए आप उसमें किस तरह से उनकी खुशी मतलब दिखाती है। तो पूरा जो कैरेक्टर है उन्होंने मात्रे का वो इतना अच्छे से किया है, ये मतलब जान डाल दिया अक्षय कुमार ने। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आई वुड से, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। तो अक्षय कुमार मजेदार, मजा आ गया। उसके बाद जो पिक्चर की हीरो राधिका, आई थिंक राधिका ओनली नाम है उसका, शी लुक्स प्रिटी और बहुत अच्छा काम किया, एकदम बिंदास डायलॉग भी लोग मारा उसने। जो फर्स्ट शॉट जो उन्होंने खाना खाते हैं साथ में, अरे तेरी शादी क्यों नहीं हुई, तो तू इतने टाइम तक क्यों रुका एंड ऑल दैट, मैं बेकरी खोलूंगी, या वो पूरा वो जो बताया ना उन लोगों का तालमेल सुपर बताया। और किस तरह से वो एंड तक बोलती है कि मेरे मेरा मेरा पैसा तेरा पैसा नहीं होना चाहिए, मेरा केक तेरा प्लेन मेरा प्लेन। तो वो बहुत अच्छा काम किया। परेश रावल ऑल्सो फैंटास्टिक यार, मजबूत काम किया उन्होंने। मतलब आपको गुस्सा आ सकता है उनपे, यार ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा, ये गरीब आदमी को मतलब क्यों सता रहा है। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ हिज परफॉर्मेंस। उसके अलावा अक्षय कुमार के जो दोस्त थे और एक दो जो पायलट्स बताए और एयरलाइन में जो लोग बताए, एक अब्दुल कलाम जी बताए, उनका डुप्लीकेट बताया, मतलब उन सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, तो आपको कुछ जगह पर चलता लिया ये कुछ रियल चल रहा है। तो इट्स वेरी वेल मेड फिल्म गाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसकी जो ओरिजिनल थी सुपरस्टार सूर्या की फिल्म, वो ऑलरेडी इस पे मतलब साउथ की लैंग्वेज में आ गई है, तमिल या तेलुगु लैंग्वेज में आ गई है। और सुना है गोल्ड माइंस ने भी उड़ान नाम की कुछ उसका राइट्स खरीद के उसको भी दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑडियंस गायब हो गई दोस्तों थिएटर में से। माय फ्रेंड्स है, हमने ऑलरेडी देख ली पिक्चर, आई हैव नॉट सीन द ओरिजिनल, दे हैव ऑलरेडी सीन, दे नेवर केम टू वॉच द फिल्म, दे वेंट टू वॉच हिंदुस्तानी। तो ये प्रॉब्लम हो गया सबसे बड़ा, तो देयर आर हार्डली एनी ऑडियंस इन द थिएटर इन स्पाइट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय अक्षय कुमार। तो ऑडियंस गायब हो गया, पता नहीं ऑडियंस डजंट वांट टू वॉच अक्षय कुमार, या कोई साजिश चल रही है बॉलीवुड में कि अक्षय कुमार को बॉयकॉट करो, बॉलीवुड से बाहर निकलो, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि एक दो पिक्चर नहीं चल रही समझ में आ रहा है, कुछ अच्छी फिल्में भी नहीं चल रही, वो तो अजीब लग रहा है मुझे। अक्षय कुमार की रानीगंज जो आई थी, मिशन रानी, यार गुड फिल्म यार, दिस फिल्म इज ऑल्सो वेरी गुड फिल्म, स्टिल देयर इज नो ऑडियंस, आई होप द ऑडियंस ग्रो बाय सैटरडे संडे। इस पिक्चर को देखना चाहिए ऑडियंस को। तो माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर सरफिरा इज दैट इट्स अ वेल मेड फिल्म, वेल स्क्रिप्टेड फिल्म, वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड ऑफकोर्स वेल परफॉर्म फिल्म बाय अक्षय कुमार एंटायर कास्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म गाइस, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। गो एंड वॉच दिस फिल्म ओनली एंड ओनली इन थिएटर्स। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।